नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज का जो वीडियो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मैं लेकर आया हूं। तो साथियों, आज की लेटेस्ट ताज़ा जो न्यूज़ है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन्होंने भी विभागीय एग्ज़ाम दी साथियों, 10 अगस्त को आपने एग्ज़ाम दी, 17 अगस्त को आपका रिजल्ट आ गया था। 40% जो मानदंड है परीक्षा में जो पास होने का, वो जिन्होंने भी क्लियर कर लिया है साथियों, वो एग्ज़ाम में पास घोषित कर दिए गए हैं। अब बात आती है आगे की प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो साथियों, चयन प्रक्रिया जैसा कि विभाग के पास जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या लगभग 15,000 है। तो साथियों, 15,000 पदों पर पोस्टिंग देने की जो प्लानिंग है वही ये कैसे होगी या उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों, वीडियो पर आप नए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और यदि पहले से बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है वो आप सभी के लिए है। तो साथियों, आपकी जो पोस्टिंग की तैयारी चल रही है विभागीय जो स्तर पर ये निर्णय लिया जा रहा है कि इंटरव्यू किया जाए या नहीं किया जाए। साथियों, स्कूल शिक्षा जो सचिव हैं उन्होंने नवीन जैन जी ने ये बताया कि जो गाइडलाइन तैयार की जा रही है कि किस आधार पर इनको नियुक्ति की जाए या किस आधार पर इनको ज्वाइनिंग दे दिए जाए, क्योंकि साथियों साक्षात्कार करने के लिए विभाग के पास इतना समय भी नहीं है, और साथ ही साथ दूसरी बात है कि जितने जो पद वैकेंट है लगभग उतने कैंडिडेट इसमें पास हो चुके हैं परीक्षा में। तो विभाग असमंजस की स्थिति में है कि क्या साक्षात्कार कराए जाए या नहीं कराए जाए। यदि साक्षात्कार करवाए भी जाएँ तब भी जितनी वैकेंट सीटें हैं उतने ही पद यहाँ पे खाली हैं। तो इसलिए विभागीय स्तर पर यह मंथन चल रहा है कि क्यों ना इनको डायरेक्टली पोस्टिंग दे दिए जाए जो कैंडिडेट पास हुए उनको। तो साथियों, महत्वपूर्ण जो है जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों, पोस्टिंग की तैयारी जो है आपकी वो सितंबर के पहले वीक में यानी कि हो जाएगी, यानी कि ये असमंजस क्लियर हो जाएगा कि साक्षात्कार लिया जाए या न लिया जाए, या आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर्स किस आधार पर निकाले जाए। साथियों, दूसरा जो है कि कितने जो कैंडिडेट्स पास हुए इसमें, तो साथियों अध्यापक पद पर इसमें 15,128 और प्रिंसिपल पद पर 456 इसमें पास हुए। तो साथियों, लगभग 15,000 पद खाली हैं और लगभग पास होने वाले जो अध्यापक जो हैं या प्रधानाचार्य जो हैं वो भी लगभग इतनी ही संख्या में हैं। तो यदि अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में जो टॉप नंबर वाले हैं उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी, उनका ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, और यदि नहीं भी होता है तो आपकी जो प्राप्तांक के नंबरों के आधार पर भी आपको पोस्टिंग देने की योजना बनाई जा सकती है। तो ये विकल्प हैं शिक्षा विभाग के सामने कि वो साक्षात्कार ले या साक्षात्कार नहीं लें, साक्षात्कार नहीं लें तो किस आधार पर पोस्टिंग दें, और साक्षात्कार लें तो किस आधार पर पोस्टिंग दें। तो साक्षात्कार यदि लिए जाते हैं तो जो टॉप नंबर आने वालों को उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब साथियों, पोस्टिंग के लिए विकल्प, तो पोस्टिंग के लिए विकल्प क्या हैं, या तो आपकी जो नंबर है उस आधार पर पोस्टिंग दे दी जाए, या फिर इंटरव्यू ले लिया जाए तो उसमें जो टॉप नंबर हैं उनके आधार पर पोस्टिंग दे दी जाए। तो ये जो पोस्टिंग की जो प्रोसेस है साथियों, सितंबर के पहले वीक में संभावित है, यानी कि 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर में, सितंबर के बीच में आपके पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ गाइडलाइन जो बनाई जाने वाली है या बनाई जाएगी उसके ऊपर विचार मंथन चल रहा है, उसी के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। शिक्षा सचिव, इस सचिव स्कूल शिक्षा विभाग नवीन जैन जी ने बताया कि यह विभागीय स्तर पर प्रोसेस चल रही है कि किस आधार पर इनको पोस्टिंग दे दी जाए, यानी कि इंटरव्यू कराया जाए या नहीं कराया जाए। अब बात करते हैं अपन संविदा शिक्षक। तो साथियों, संविदा शिक्षक में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके जो राज्य जहां से भी उन्होंने अपनी योग्यता अर्जित करी थी उन राज्य के साथ तालमेल बिठा के जो शिक्षा विभागीय स्तर पर जो बीकानेर जो डायरेक्टर ऑफिस है निदेशालय वहाँ से उनकी जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, तो वो साथियों जो भी संविदा शिक्षक में अदर स्टेट से डिग्री करने वाले, अदर स्टेट से योग्यता अर्जित करने वाले, उन सभी के लिए भी गुड न्यूज है। उनकी भी ज्वाइनिंग लगभग सितंबर, 15 सितंबर या इस सितंबर के पहले वीक में उनको भी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगी। अब साथियों, कई सारे
संविदा शिक्षकों के प्रश्न आते हैं कि सर हमारी जो सैलरी कैसे बनेगी। तो साथियों, सैलरी जो आपकी जो है, इस संबंधित जो विद्यालय हैं वहाँ पे ऑर्डर जारी हो जाएगा कि किस मद से आपकी सैलरी बनेगी। तो वहाँ के जो LDC या UDC हैं या जो वहाँ के जो क्लर्क हैं वो आपकी सैलरी बनाएंगे, तो आपकी जो सैलरी है। साथ ही साथ आपका प्रश्न आता है कि सर हमारे NPS में कितना कटाना है, तो NPS में आपको अपने स्वयं के आधार पर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है और वहीं पे आपको NPS में अपना निवेश करना है, तो ये अपने स्तर पर करना है। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी हैं, जो जो जिनकी भी पोस्टिंग बाकी है, तो उन सभी को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आपकी पोस्ट जो है वो रिजर्व है। आपकी पोस्ट पर या आपकी पोस्ट को रिक्त नहीं बताया गया है। अगर आपकी पोस्ट को रिक्त बताते हैं तो हाल ही में जो ऑर्डर जारी हुआ है उस ऑर्डर में बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन्होंने भी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिया है या भाग ले लिया है, उनकी पोस्ट रिजर्व रखी जाएगी और उनकी पोस्ट को वैकेंट नहीं माना गया है। क्योंकि सारे विद्यालयों से रिक्त पदों की सूचना मांग ली गई है और रिक्त पदों, जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के विरुद्ध अभी पोस्टिंग करनी है MGGS स्कूल में, मॉडल स्कूल में या इंग्लिश मीडियम के जो जितने भी अन्य स्कूलों में, तो उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो रिक्त पद है उन रिक्त पदों पर आपने जो काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लिया है उन पदों को रिजर्व माना जाएगा और उनकी नियुक्ति या उन पदों पर नियुक्ति शिक्षा विभाग के अन्य कार्मिकों को नहीं या उन पर नहीं कराई जाएगी। इसलिए संविदा शिक्षक जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट से अपनी योग्यता अर्जित करी है, आप सभी निश्चिंत रहिए, आपकी जो पोस्ट हैं वो सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, कंजर्वेट हैं, रिजर्व हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना वेट आपने कर लिया, थोड़ा बहुत और वेट कर लीजिए, जल्द ही आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जो जुड़े हुए साथी जो ज्वाइन कर चुके हैं वो भी अपने अन्य साथियों को आश्वस्त कर दीजिए, क्योंकि हाल ही में ऑर्डर जारी हो चुका है, उसमें स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी होगी। जैसे ही विभागीय स्तर पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो अदर स्टेट कैंडिडेट का भी अभी जो विभागीय कर्मचारी हो या विभागीय जो अध्यापक हैं या विभाग के जो कार्मिक हैं उनके साथ साथ आपकी भी पोस्टिंग हो जाएगी। तो सितंबर के पहले वीक तक वेट कर लीजिए, यानी कि 15 सितंबर से पहले पहले आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है या ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अन्य साथियों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आज की महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण न्यूज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आया, और जो महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको देने का प्रयास किया, जैसा कि ये जो नोटिफिकेशन ऑर्डर है या जो नोटिफिकेशन है ये जो मैंने बताया, ये आज के अखबार में, न्यूज़ में भी आ चुका है, तो आपने पढ़ लिया होगा। नहीं भी पढ़ा तो इस वीडियो के माध्यम से अपने अन्य साथियों को की हेल्प के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।